6 ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड, चैप्टर नंबर 9 जो और नेचर ऑफ लाइट एंड चैप्टर नंबर 10 ज्योमेटिकल ऑप्टिक्स। ठीक, ये वो फर्स्ट ईयर फेज के 4 चैप्टर होंगे जो मैं डिस्कस करूंगा। जब हम ये कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि मैं सेकंड ईयर के आपको कौन से चैप्टर रिव्यू करवाऊंगा। फर्स्ट ईयर फेज के मैं ये 4 चैप्टर आपको रिव्यू करवाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हम एमकेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे जहनों में जो है ना कुछ बातें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, हमारा स्कोप क्या होना चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने का। तो मैं इस बात पे बिलीव रखता हूं कि अगर आपके सिलेबस में ए से डी तक मौजूद है तो आपको ई से मुताल्लिक कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो एमसीक्यू आता है शायद वो एमसीक्यू एक एवरेज बच्चे के लिए या एक अबव एवरेज बच्चे के लिए नहीं होता, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे के लिए होता है। यानी मेरा ये मानना है कि पेपर में अगर वो आपको 30 एमसीक्यूज देंगे तो 30 में से शायद 2 एमसीक्यूज ऐसे भी हों जिनका कैलिबर बहुत ही हाई किस्म का हो और वो सिर्फ उन बच्चों के लिए हो जिन्होंने वाकई में फिजिक्स को समझा है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो मैं किस बात पे फोकस करूंगा, जो आपका सिलेबस है आपका पूरा सिलेबस कंटेंट आपको पढ़ाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, फिर अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया जा सकता है, मैं आपको वो बता दूं, तो पढ़ाने में हम इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, एप्टीट्यूड में, क्योंकि ये आप ये समझ लें ओपन फील्ड है, आप कितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप फिजिक्स में 1000 एमसीक्यूज कर लेंगे, 2000 एमसीक्यूज कर लेंगे, 3000 एमसीक्यूज कर लेंगे, बहुत मुमकिन है आपने 10000 एमसीक्यूज प्रिपेयर किए और जब आपके पास एग्जाम में पहला एमसीक्यू आया तो उसे देख के लगा कि ये तो एमसीक्यू नंबर 10001 था, हमने तो पहले इस तरह का कोई एमसीक्यू देखा ही नहीं। ठीक, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एमसीक्यूज की जो प्रिपरेशन है ये एक ओपन फील्ड है। आप कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता सर मैंने वो सारे एमसीक्यूज कर लिए जो पेपर में आ सकते हैं। हाँ, हम क्या कह सकते हैं, सर हमने अपने एतबार से हर टाइप का कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लिया है और हमें इतनी प्रैक्टिस है कि अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, हम ये कर सकते हैं। ठीक, तो अब हमें ये करना होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम चैप्टर तो पढ़ाएंगे, फिर चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं आपको वो भी बता दिए जाएंगे। तीसरी बात, डेरिवेशन। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट रिजल्ट से सॉल्व हो जाते हैं। जब मैं लव इस्तेमाल करता हूँ डायरेक्ट रिजल्ट, इसका क्या मतलब है कि जो डेरिवेशन में एंड रिजल्ट होता है वो, लेकिन कभी कभार एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू भी आ जाया करता है जो डायरेक्ट रिजल्ट से सॉल्व नहीं होगा, जो किसी इंटरमीडिएट रिजल्ट से सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो फिर ऐसे केसेस में हमें जो है वो डेरिवेशन आनी चाहिए। मैं आज पढ़ाने के दौरान हो सकता है इस बात की कोई एग्जाम्पल देने में कामयाब भी हो जाऊं कि कभी कभार न्यूमेरिकल ऐसी इक्वेशन से आ जाता है कि जो डायरेक्ट रिजल्ट से सॉल्व नहीं होगा, इंटरमीडिएट से सॉल्व हो जाएगा। मैं अक्सर बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा ख्याल है आप में से कुछ बच्चे शायद ए लेवल से आ रहे हैं, कुछ जो है वो इंटर बोर्ड से एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो। I is equals to NAEV, relationship between current and drift velocity. हम A levels में अलग से पढ़ाते हैं, लेकिन इंटर बोर्ड वाला जो बच्चा है हमारा, उसने ये रिजल्ट पढ़ा है, लेकिन किसी डेरिवेशन के दरमियान पढ़ा है। अब एक साल NTS में क्वेश्चन आया जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जिक्र था। अब जिन बच्चों को सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मुला आते थे वो तो परेशान हो गए होंगे कि ये फॉर्मुला, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा, लेकिन जिनके जहनों में डेरिवेशन थी वो कामयाब हुए। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप पूरी डेरिवेशन याद कर लें, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं एंड रिजल्ट बताऊंगा। लेकिन अगर कहीं पर मुझे ऐसा लगा कि इस डेरिवेशन में ये कॉन्सेप्ट बच्चे को पता होना चाहिए, ये इंटरमीडिएट स्टेप पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। तीसरी चीज, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू सॉल्व देम करेक्टली विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, क्योंकि अब जो हमें एक चैलेंज फेस करना होगा वो चैलेंज हमारे लिए ये होगा कि हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, और जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो प्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए शायद ये बात एक चैलेंजिंग बात हो सकती है कि
how to multiply, divide, square root or cube root of any find of any number. So aap hame ye cheez bhi seekhni hai ki how to solve numericals without using calculator. तो हमारा जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस करता जाएगा, हम इस बात में मुझे उम्मीद है कि थोड़े से जो है वो एक्सपर्ट होते चले जाएंगे कि न्यूमेरिकल को बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कैसे किया जाएगा. ठीक. अच्छा, अब शुरू करूंगा मैं ग्रेविटेशन के चैप्टर से. ठीक. अच्छा, अब मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे या तो वो ग्रेविटेशन पूरा पढ़ चुके हैं या उन्होंने ग्रेविटेशन आधा जो है वो डेमो क्लास के अंदर पढ़ लिया है. तो दोबारा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है. आज हम जो है वो ग्रेविटेशन से जो है वो स्टार्ट करेंगे. और अब अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो देखिये, नेचर में फोर्सेस तीन तरह की होती है, या तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, या वो मैग्नेटिक है, या वो ग्रेविटेशनल है. देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ रखा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक वो फोर्स है जो चार्जेस की वजह से हुआ करती है. मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जिसका ताल्लुक जो है वो अनपेयर्ड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है. और ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिसका ताल्लुक जो है वो मास से हुआ करता है. मैं खासतौर पर थोड़ा सा लेक्चर को जो है वो अपने कन्वेंशनल से चेंज कर रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो आज ये चैप्टर दूसरी या तीसरी दफा पढ़ रहे हैं वो ज्यादा बोरियत का शिकार ना हो. तो देखिए, जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी फोर्सेस से किस तरह मुख्तलिफ है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स. वो पहला साइंटिस्ट जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स से मुतालिक कोई लॉ दिया वो न्यूटन था. न्यूटन ने एक लॉ प्रपोज किया जिसका हमने नाम रखा, या न्यूटन ने नाम रखा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. और इस लॉ को ड्राइव करते वक्त जब आपने फर्स्ट फेज में ड्राइव किया तो आपने कंसीडर की मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ. क्या रीजन था? अगर आप अपनी यूनिवर्स को गौर से देखें, आप सोलर सिस्टम को देखिए, तो सन सेंटर में मौजूद है. डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. दे आर परफॉर्मिंग एक्चुअली सर्कुलर मोशन. एंड वी नो दैट every circular motion needs a force which is known as centripetal force. aur hum ye baat jante hain ki centripetal force koi force nahi balki force ka ek behavior hai. har wo force jo body ko ek circular path pe rotate karwa de wo centripetal kehlati hai. for example, jab aap ek stone ko ek string se tie karte the, use ghumate the, jo tension in the string thi wo behave karti thi like centripetal. जब एक चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है परपेंडिकुलरली, तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है. राइट. तो हम ये कहते थे कि वहां पर मैग्नेटिक फोर्स एफ इक्वल क्यू बी साइन थीटा वो बिहेव करती है लाइक सेंटीपीटल फोर्स. इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, वो बिहेव करेगी लाइक सेंटीपीटल फोर्स. तो हमें ये बात मालूम है कि जब आप बात कर रहे होते हैं किसकी, सेंटीपीटल फोर्स की, तो ये फोर्स नहीं बल्कि फोर्स का बिहेवियर है. तो अब शायद न्यूटन ने भी इस बात पे गौर किया कि अगर आज तमाम प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो इनपे कौन सी फोर्स है? वो फोर्स ग्रेविटेशनल थी जिसका ताल्लुक मासिस से है. अब न्यूटन ने लॉ ये दिया कि अगर आपके पास दो फोर्स मासेस हैं, लेट्स से वन इज बॉडी ए हुज मास इज एम वन, अदर इज बॉडी बी हुज मास इज एम टू, इसको मैं कह देता हूं बॉडी बी, इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ड्राइव करते वक्त मून की ऑर्बिटल मोशन कंसिडर की थी. राइट. शायद आपके जहनों में हो, तो ऑर्बिटल मोशन में तो ऑर्बिटल रेडियस लेते हैं और ऑर्बिटल रेडियस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर है. तो अब ये उसूल याद कर लें, ग्रेविटेशन में वो तमाम इक्वेशन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से ड्राइव हुई, उनमें जब भी लव्स डिस्टेंस इस्तेमाल किया जाएगा वो डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा, वो डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स होगा. पहली बात. ठीक. तो जब भी बात होगी डिस्टेंस की, वो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स होगा. इस डिस्टेंस को मैं आर कह देता हूं.
न्यूटन ने क्या कहा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, राइट। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते थे तो इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास जो इक्वेशन बना करती थी वो इक्वेशन कुछ ऐसी बनती थी, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर, f इक्वल सम कांस्टेंट टाइम्स m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यहां इस कांस्टेंट को हम कैपिटल g से डिनोट करते हैं। एक बार आपको बताता चलूं, जब आप कहते हैं ना टू क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल, इट डजंट मीन दे आर इक्वल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इक्वल। इफ यू वांट टू मेक देम इक्वल यू नीड टू पुट सम कांस्टेंट k। जब आप कहते हैं कि दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये नहीं हुआ करता कि वो इक्वल भी होंगे। इक्वल हो सकते हैं लेकिन रूल नहीं है। अगर आप उन्हें इक्वल बनाना चाहते हैं तो आपको कोई कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, या जो कांस्टेंट आप पुट करते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल जी। इसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हुआ करती है 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वो पहला साइंटिस्ट जिसने बेसिकली इस जी की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, उस साइंटिस्ट का नाम था कैविंडिश। खास तौर पे इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर बच्चों को लगता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया तो कॉन्स्टेंट भी न्यूटन ने कैलकुलेट किया। वो साइंटिस्ट जिसने इसको कैलकुलेट किया उसका नाम था कैविंडिश, लॉर्ड कैविंडिश, जिसने वैल्यू ऑफ जी को बेसिकली कैलकुलेट किया। अच्छा, इस लॉ का नाम रखा गया लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जी को नाम दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस लव्स यूनिवर्सल की अपनी एक कहानी है। देखिए, फिजिक्स में कांस्टेंट्स, या चले पहले लॉस की बात करते हैं, फिजिक्स में कुछ लॉस ऐसे होते हैं जिन्हें अप्लाई करने की लिमिटेशंस होती हैं। जैसे आप याद करें, आप बॉयल्स लॉ अप्लाई करते थे तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते थे, आप चार्ल्स लॉ अप्लाई करते थे आप प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते थे, राइट। कुछ लॉज ऐसे हैं जिनको आप कभी भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन न्यूटन ने क्यों कहा, उसका कहना यह था कि इस पूरी यूनिवर्स में आप जहां चाहे इस लॉ को अप्लाई कर दें। दिस लॉ इज वैलिड ऑन मैसिव मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक प्लैनेट और हेवनली बॉडीज लाइक सन स्टार्स एंड डिफरेंट प्लैनेट। आप इस लॉ को दो ऑर्डिनरी मासेस पे अप्लाई कर सकते हैं, उन दो कॉलेज स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं जिनका मास 60 kg और 80 kg है। आप इस लॉ को दो वाटर मॉलिक्यूल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इस लॉ को एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर। That's why in the statement what Newton said, every material object, the moment he used the term every, it means that there is no exception. Every material object in this universe attracts every other material object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between their centers. Right? Gravitational force is always an attractive force. Up. लॉ तो यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होगा। कांस्टेंट यूनिवर्सल क्यों है? शायद आपको याद आए जब हम बॉयल्स लॉ पढ़ते थे हम कहते थे पीवी इक्वल कांस्टेंट, आपने कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पढ़ी। चार्ल्स लॉ में वी ओवर टी इक्वल कांस्टेंट, आपने कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? वो कांस्टेंट मटेरियल डिपेंडेंट थे, अमाउंट और नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंडेंट थे, पार्टिकल के तादाद के साथ उनकी वैल्यू चेंज हो जाती थी। ऐसे कांस्टेंट को हम नाम दिया करते हैं क्या, कंडीशनल कांस्टेंट। हम ऐसे कॉन्स्टेंट्स को नाम देते हैं क्या, कंडीशनल कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल जी, स्मॉल जी इज 9.81 फॉर अर्थ, स्मॉल जी इज 1.6 फॉर मून एंड स्मॉल जी इज 25.6 और ऑलमोस्ट 26.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर जुपिटर। स्मॉल जी कॉन्स्टेंट है बट फॉर अ प्लैनेट, जब प्लैनेट चेंज होगा कॉन्स्टेंट चेंज रहेगा, ये कंडीशनल कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। लेकिन याद करें जनरल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल एनआरटी, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बिकॉज दैट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द गैसेस अंडर ऑल कंडीशंस। तो जब कभी भी लव्स यूनिवर्सल आ जाए ना, इसका मतलब ये वैल्यू सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज किया। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। It always acts along
the line joining the center of two bodies. अच्छा एक बात मैं शुरू में बताना भूल गया, मैं जो कुछ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो एट द एंड ऑफ द क्लास मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे शेयर भी कर लूंगा, तो यू डोंट नीड टू कॉपी इट डाउन, राइट? आप अपना टाइम जो है कॉपी करने में जाया ना करें, ज्यादा फोकस करें सुनने पे. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर आप इस एक फिगर को गौर से देखें तो मैं दो फोर्सेस बनाता हूं, एक है वन और एक है टू. क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इनमें से कौन सी फोर्स एक्चुअली वो फोर्स है जो बॉडी ए ने बॉडी बी पर लगाई? इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू आंसर यू मे जस्ट रेज योर हैंड. वन और टू में से कौन सी फोर्स वो फोर्स है विच बॉडी ए इज एक्चुअली एक्सर्टिंग ऑन बॉडी बी? जी मैया, टू टू वो फोर्स है जो ए ने बी पे लगाए. एंड आप इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचे? सर ए जो बॉडी है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बी को. एक्सेलेंट, बिकॉज हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कह चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स. तो जो बॉडी फोर्स लगाएगी वो अपनी तरफ लगाएगी. तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फोर्स बॉडी ए ने बी पर लगाई वो ये वाली है, ए ऑन बी. And this is F B on A. तो क्योंकि force attractive है, इसके attractive होने का मतलब क्या है? इसके attractive होने का मतलब यह है it always act towards the object which is exerting the force. हमारे लिए की है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उस बॉडी की तरफ एक्ट करती है जो फोर्स एग्जर्ट किया करता है. ठीक, आसान सी बात याद रख सकते हैं, वेट हमेशा टूवर्ड्स अर्थ एग्जर्ट होता है. क्यों? क्योंकि अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है. तीसरी बात, इस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और हर वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन हुआ करती है. तो अगर मैं यहाँ पे एरो बना दूं तो जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, राइट? एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर. अब लेफ्ट पर मैंने एरो बना दिया तो राइट पर भी मुझे डायरेक्शन चाहिए. वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन असाइन करने का एक तरीका होता है, वेक्टर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. तो अगर मैं इसको लिख दूं आर ए टू बी तो इट विल बी डायरेक्टिंग फ्रॉम ए टू बी बिकॉज वेक्टर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. अगर आप किसी क्वांटिटी को डायरेक्शन असाइन करना चाहते हैं तो we may take help from unit vector as well. Unit vector denote किया जाता है small letter with a caret sign on it. Okay? Unit vector की direction वो ही हुआ करती है जो given vector की direction है. तो अगर vector a to b, vector r a to b left से right है तो unit vector भी left से क्या बनेगा? Right बनेगा. तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या? R cap. जैसी मैंने यहां पर आर कैप लिखा, मैं इस फोर्स के कह रहा हूं दिस इज द फोर्स विच ए इज एक्सर्टिंग ऑन बी. तो अब ध्यान में रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं उस फोर्स की जो ए ने बी पर लगाई. तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एफ ए ऑन बी और आर कैप क्या इनकी डायरेक्शन सेम है या इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है? जी, अगर अगर आप में से कोई बच्चा मुझे ये बात बताना चाहे. जी मैया, ऑपोजिट है सर. ऑपोजिट है, और अगर ये डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है तो शायद आपको याद आएगा वेक्टर क्वांटिटीज में
अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या किया करते थे, हम एक नेगेटिव साइन लगाते थे। तो कई जगहों पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वेशन में ये माइनस लगा हुआ नजर आएगा। ये माइनस उस वक्त लगता है जब फोर्स और यूनिट वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। मैं अपनी बात को वाजे करूं, अगर मैं बात करना चाहता हूं एफ बी ऑन ए की और मैं अपने यूनिट वेक्टर को चेंज नहीं कर रहा, मेरा यूनिट वेक्टर वही है आर कैप, तो अब अगर आप देखें तो एफ बी ऑन ए और आर दोनों के डायरेक्शन सेम है, अब माइनस साइन नहीं आएगी। तो फॉर्मूले में माइनस लग भी सकता है, फॉर्मूले में माइनस नहीं भी लग सकता। ऑल वी नीड टू डू, वी नीड टू फिगर इट आउट दैट इन विच डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इज एक्चुअली कैलकुलेटेड। ओके, हमने यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में निकाला है और हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं। हम इन दोनों बातों को सामने रखकर जो है वो बासानी जो है वो फैसला कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर माइनस साइन लगानी है या हमें माइनस साइन जो है वो नहीं लगानी। पहली बात, नाउ नेक्स्ट, हमने सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बेसिकली जो है वो कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। ठीक, अगर आप बात करते हैं एप्लीकेशंस की तो वो एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन नंबर वन इज बेसिकली मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ, अच्छा मास ऑफ अर्थ ड्राइव करते वक्त हमने बेसिकली किया क्या, हमने अर्थ कंसीडर की और फिर हमने अर्थ के मास को मान लिया एम ई, अर्थ का रेडियस हमने माना आर ई और हमने अर्थ की सरफेस पे एक टेनिस बॉल लाके रख दी। इस टेनिस बॉल का रेडियस होगा लेट से आर नॉट, इस टेनिस बॉल का मास है एम। अगर मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करूं तो मैं क्या कहूंगा, एफ इक्वल जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ ओवर आर स्क्वायर। याद है मैंने क्या कहा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज नहीं, वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, राइट? तो वो डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर्स हुआ करता है। तो अब अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स चाहिए तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आर ओ प्लस आर ई, मुझे दोनों रेडियाई को ऐड करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू तो हमें याद है, वो होती थी 6.4 × 10⁶ मीटर और रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा, बहुत से बहुत 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का मतलब है 0.04 मीटर। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूं तो ऐड करने का कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि हमें रूल याद है, अगर एक बहुत छोटा नंबर एक बहुत बड़े नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए वी कैन सिंपली इग्नोर इट। तो ये जो आर नॉट प्लस आर था ये सिर्फ क्या बन जाएगा, आर ई, तो हम यहां पर लिखते थे आर ई स्क्वायर। हम ये कहते थे ये वो फोर्स है जो अर्थ ने बॉडी पर लगाई और बॉडी ने अर्थ पे लगाई। अगर मैं इसको एक लम्हे के लिए वो फोर्स कह दूं जो अर्थ बॉडी पे लगा रही है तो हमें याद है The force with which Earth attracts a body towards its center is called its weight. और weight हम कैसे निकालते थे? W equal mg. वो weight हम कैसे निकाला करते थे? W is equals to mg से. तो मैं ही कह सकता हूँ this F should be equal to mg. हम one और two को equate करते थे. M से M cancel होता था. Equation बनती थी G equal g m e over r square. मैं इस इक्वेशन को ब्लॉक कर रहा हूं क्योंकि मेरा अभी डायरेक्ट टॉपिक नहीं है जी, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि हम भूले नहीं। हम अभी बात कर रहे हैं मास ऑफ अर्थ की, तो मास ऑफ अर्थ बराबर होगा जी आर ई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। मुझे सारी वैल्यूज मालूम है, मैं पुट कर दूं मेरे पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा 6 × 10⁴ kg। अगर मैं अर्थ को स्फेरिकल मान लूं, तो अगर आप अर्थ को स्फेरिकल मानते हैं तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हम कैसे निकालते थे, 4/3 πr³, तो ये बन जाएगा 4/3 πr³। वैल्यूज पुट करें हमारे पास होपफुली वैल्यू आ जाएगी 1.1 × 21 क्यूबिक मीटर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ये इस अजम्पशन पर है कि अर्थ इज कंप्लीटली स्फेरिकल इन शेप। तीसरी चीज,
अगर मैं डेंसिटी निकालना चाहूं तो वो होती है मास ओवर वॉल्यूम. मेरे पास मास भी है, मेरे पास वॉल्यूम भी है. सिंप्लीफाई कर लें, 5.5 एक्सपोनेंट 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा. अच्छा, जब आपने डेंसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट की है तो आप एक बात सुन लें, शायद कभी आपके काम भी आ जाए. जब आप लव इस्तेमाल करते हैं डेंसिटी, तो हम कहते ही हैं कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है वो उस ऑब्जेक्ट का बेसिकली जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट हुआ करती है. ठीक, कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट का मतलब है ये कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होता. लेकिन इस जुमले के पीछे पूरी एक साइंस है. ये जुमला उस वक्त तक वैलिड है जब तक ऑब्जेक्ट का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या मुराद है कि अगर आज मैं एक ब्लॉक कंसिडर कर लूं कुछ ऐसा, आधा ब्लॉक जो है वो सॉलिड है, आधा ब्लॉक जो है वो हॉलो है. अगर मैं इसकी इस ब्लॉक को आधा कर दूं, तो जब मैं इस ब्लॉक को हाफ करूंगा तो मास इक्वली डिवाइड नहीं होगा. ऑब्वियसली सॉलिड पोर्शन विल बी हैविंग मोर मास देन द हॉलो पोर्शन. सॉलिड पोर्शन का मास जो है वो ज्यादा होगा और हॉलो पोर्शन का मास जो है वो कम होगा. ठीक, हमारे पास सॉलिड पोर्शन का मास जो है वो ज्यादा है, हॉलो पोर्शन का मास जो है वो कम है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि अब डेंसिटी चेंज हो जाएगी. जब आप ये जुमला इस्तेमाल करते हैं डेंसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट, तो ये जहन में रखिए कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अच्छा, अगर किसी के जहन में अर्थ की कंपोजिशन मौजूद है कि अर्थ डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी है, इस लेयर में जो अपर मोस्ट लेयर है ना उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है और जो इनर मोस्ट लेयर है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है. एक फैक्ट है, याद आ जाएगा तो शायद कभी आपके काम भी आ जाए, कि जब आप बात करते हैं अर्थ की तो हम क्या कहते हैं कि अर्थ डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी है, अपर मोस्ट की डेंसिटी सबसे कम है और लोअर मोस्ट की डेंसिटी सबसे ज्यादा है. अच्छा, आपने मास ऑफ अर्थ पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ पढ़ा, डेंसिटी ऑफ अर्थ पढ़ा, इसके बाद आपने जो टॉपिक पढ़ा वो था बेसिकली मास ऑफ द सन. मास ऑफ द सन. अच्छा, अब मास ऑफ द सन में हमने क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया? हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि आपके पास सन मौजूद है, दिस इज सन, सन के मास को मैं एम एस मान रहा हूं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है अर्थ, मैं अर्थ के मास को एम ई मान रहा हूं, और सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ अर्थ. देखे, मैं एक दफा दोबारा याद दिला रहा हूं, जब मैं सेंटर बात करता हूं ग्रेविटेशन की तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर्स में लिया जाता है, वो डिस्टेंस है आर. शायद वैल्यू आपके जहनों में हो 1.49 एक्सपोनेंट 11. ये वैल्यू जो है वो ऑर्बिटल रेडियस है अर्थ का अराउंड सन, 1.49 एक्सपोनेंट 11. वैसे तो इस बात के इम्कान बहुत कम होते हैं कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो गलती कर दे, लेकिन ह्यूमन एरर एग्जिस्ट एवरीवेयर. तो कभी जल्दबाजी में अगर ऐसा हो जाए मैं कोई वैल्यू लिखूं और मुझे बाद में एहसास हो गया ये गलत है, मैं आपको जरूर रेक्टिफाई कर दूंगा. लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि मेरी गलती आप आइडेंटिफाई कर लें तो डोंट हेजिटेट, जस्ट लेट मी नो सर लास्ट टाइम आपने वैल्यू लिखी, ये वैल्यू ये नहीं ये थी, तो ताकि सारे बच्चे उस वैल्यू को सही कर लें. एनीवेज, वैसे इस बात के इम्कान नौ आने के बराबर है, मैंने सिर्फ सेफ साइड पर रहने के लिए बात कह दिया. 1.49 एक्सपोनेंट 11, ये जो है वो ऑर्बिटल रेडियस बन गया. आपने कहा कि अर्थ और सन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होगी विच विल बी जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ ओवर ऑर्बिटल रेडियस स्क्वायर. अब क्योंकि अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, मैंने आज चैप्टर का आगाज इस बात से किया कि कोई भी सर्कुलर मोशन विदाउट सेंटीपेटल फोर्स आपके लिए पॉसिबल नहीं होती. तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेव करती है लाइक सेंटीपेटल, और हमें याद है कि सेंटीपेटल फोर्स कैसे निकालते थे, एम वी स्क्वायर ओवर आर. यहां पर मास उस बॉडी का मास होता है जो रोटेट कर रही होती है, तो यहां पर मास ऑफ अर्थ आएगा. तो फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ अर्थ वी स्क्वायर ओवर आर.
आप इन दोनों को इक्वेट करते थे तो कुछ ऐसा बनता था, जी एम एस एम ई ओवर आर स्क्वायर इक्वल एम ई वी स्क्वायर ओवर आर, आर से स्क्वायर कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल। तो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट यहां से बनता है, वी स्क्वायर इक्वल जी एम एस ओवर आर। देखिए मैंने आज शुरू में कहा था कि कभी कभार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता, इंटरमीडिएट स्टेप से सॉल्व होता है। हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमने ऑर्बिटल स्पीड, मेरा नहीं ख्याल कि हमने अलग से जो है वो ड्राइव की हो, लेकिन ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आपने यहां से ड्राइव कर रखा है क्या? आप ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड वी इज अंडर रूट जी एम ओवर आर। बस इस फॉर्मूले से मुताल्लिक एक बात याद रखनी है, ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूले में जो मास है वो मास उस ऑब्जेक्ट का नहीं है जो घूम रहा है, ये मास उस ऑब्जेक्ट का मास है जो किसी बॉडी को अपने अक्रॉस घुमा रही है। ठीक, मैं इस इक्वेशन को अगेन हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन हाईलाइट की थी स्मॉल जी की, एक मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं। ये वो इक्वेशन है जो हमें आगे चलकर भी इस्तेमाल करनी है। फिलहाल मैं टॉपिक से ही जो है वो मुंसलिक रहना चाहता हूं। तो हमने क्या कहा कि अगर मैं मास ऑफ सन निकाल लूं तो वो बन जाएगा वी स्क्वायर इंटू आर ओवर जी। अब ये वी कैसे निकालें? अगर मैं मान लूं कि अर्थ का ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट है, तभी तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो स्पीड है ये निकाली जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम से। एक रोटेशन में अगर बॉडी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? जितना उसका सर्कमफेरेंस होता है, 2πr। तो मैं यहां पर इसको लिखूंगा 2πr। वो टाइम जिसमें एक रोटेशन कंप्लीट होती है वो टाइम कहलाता है क्या? टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी लिखा करते हैं। अब मुझे वी नहीं वी स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये क्या बन जाएगा? 4πr स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। इस वैल्यू को सन की इक्वेशन में पुट करेंगे, 4πr स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू आर ओवर जी। सारी वैल्यूज मालूम है, पुट करें, मास ऑफ सन निकाल लें, वो तकरीबन 3 × 10⁻²⁰ kg आ जाएगा। ठीक, मैं एक इस इक्वेशन को भी हाईलाइट कर रहा हूं। आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि सर पढ़ा कम रहे हैं, हाईलाइट ज्यादा कर रहे हैं। जो इक्वेशन मैंने हाईलाइट की है ये वो इक्वेशन है जो बेसिकली हमारे डायरेक्ट रिजल्ट्स नहीं है लेकिन एप्टीट्यूड के एतबार से अच्छे रिलेशंस हैं, आपको अलग से मालूम होने चाहिए। मैं अभी इन पे वापस भी आऊंगा। आपने मास ऑफ सन निकाल लिया। अब देखें, ये जो मैंने रेड वाली इक्वेशन हाईलाइट की ये बेसिकली ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है, वी ऑर्बिटल इक्वल अंडर रूट जी एम ओवर आर, जहां पर आर जो है वो ऑर्बिट का रेडियस है। और इस मास से मुताल्लिक याद रखिएगा, एम जो है वो मास ऑफ द बॉडी एट सेंटर है, ये उस सेंटर का मास है जो बॉडी को अपने अक्रॉस रोटेट करवा रहा है। जैसे हम सैटेलाइट मोशन की बात करते हैं, डिफरेंट सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, अगर मैं उन सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड निकालूंगा तो मैं मास सैटेलाइट का पुट नहीं करूंगा, मैं मास जो है वो अर्थ का पुट करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहां पर जो सेंट्रल बॉडी है वो अर्थ है। इसी तरीके से मैंने ये जो येलो इक्वेशन एक और हाईलाइट की मास ऑफ सन में, यहां से आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं टी स्क्वायर का, 4πr स्क्वायर आर क्यूब ओवर जी टाइम मास ऑफ सन। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional to cube of orbital radius। ये बड़ा important results है हमारे लिए। हम first year physics में नहीं पढ़ते लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई satellite motion होती है या orbital motion होती है, जो time period होता है उसका square cube of radius के proportional हुआ करता है। तो ये relation जो मैंने अभी red से block किया, एक ये और एक जो orbital speed है, ये दो relation हमारी इजाफी इंफॉर्मेशन है जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद जब आपने मास ऑफ अर्थ पढ़ा, आपने मास ऑफ सन पढ़ा, आपने जो अगली चीज पढ़ी वो अगली चीज आपने पढ़ी वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, राइट? अच्छा, जब आपने बात की वेरिएशन ऑफ जी विद
डेप्थ, इनफैक्ट वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड वेरिएशन जी विद डेप्थ। सबसे पहले एल्टीट्यूड की बात करते हैं। हमारा मानना क्या है, जैसे जैसे आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं, वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम होती चली जाती है। और वो क्यों कम हो रही है, ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। याद रखिएगा, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये रही अर्थ, जिसका मास एम ई है, जिसका रेडियस आर ई है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो इस पॉइंट पर जी हम कैसे निकालेंगे, जी मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन को ऊपर जो है वो हाईलाइट किया हुआ था, अब आप देख सकते हैं जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि बॉडी सरफेस से किसी एल्टीट्यूड पे आ गए, लेट्स से पॉइंट एच पे आ गए, राइट, तो हमें एक बात याद है, ग्रेविटेशन में जब भी डिस्टेंस की बात होती है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर्स लिया जाता है। तो अब जब मैं जी डैश निकालूंगा तो वो जी डैश बराबर होगा कैपिटल जी, यूनिवर्सल सेम रहेगा, मास ऑफ अर्थ सेम रहेगा, अलबत्ता आर ई की जगह क्या आ जाएगा, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। आपने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, डेरिवेशन में हमारा इंटरेस्ट नहीं, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी मैं अलग से समझा दूंगा। आप एक रिजल्ट तक पहुंचे, जी डैश इक्वल वन माइनस टू एच ओवर आर ई टाइम्स जी, ये कहलाता था वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या देखें, अगर मैं कहूं कि एच बराबर है आर ई ओवर टू, यानी आप कितने ऊपर चले गए, रेडियस ऑफ अर्थ के हाफ के बराबर आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चले गए। अगर मैं जी डैश निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, जी डैश इक्वल वन माइनस टू, एच की जगह आएगा आर ई ओवर टू डिवाइडेड बाय आर ई टाइम्स जी, टू से टू, आर ई से आर ई कैंसिल, वन माइनस वन टाइम्स जी, आप एग्री करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अब आपको याद आएगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आप वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करते रहे जब आपके पास एच टू आर ई के बराबर होता था, या जब आपके पास
मेरा कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम थी, आप मेरी आवाज जो है वो सुन नहीं पाए। ठीक, मुझे उम्मीद है कि अब आपको जो है वो मेरी आवाज जो है वो सुनाई दे रही होगी। जी जी शायद क्या अब आप लोगों को मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है, स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है? अगर आप जो है वो सिर्फ अपने हैंड रेस कर लेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा। कैन यू पीपल हेयर मी? ओके, इट्स फाइन। अच्छा, आप अगर आप में से कोई एक बच्चा मुझे सिर्फ ये भी बता दें कि आपने आखिरी बार सुनी क्या। जी जी राबिया, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट यू एक्चुअली हर्ड? अगर आप में से कोई एक भी बच्चा मुझे ये बता दे कि आपने आखिरी बात सुनी क्या है, ताकि मैं वहीं से जो है वो दोबारा शुरू कर दूं। जी शायद हेलो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्यों, मेरे हिसाब से आपको आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन मैं सिर्फ कंफर्मेशन चाहता हूँ। अगर कोई एक बच्चा भी ये बता दे कि आपने आखिरी बात क्या सुनी थी डिस्कनेक्शन से पहले। जी मैया, सर एच इज इक्वल टू 2 RE से स्टार्ट करना था। एच इक्वल टू आर, मैंने ये वाली वर्किंग आपने सीख ली थी कि ये फॉर्म वर्किंग मैंने काटी क्रॉस क्यों की है, जी सर, जब 0 हो गया था तो कैंसिल हो गई थी। और मैंने ये रीजन बता दिया था ये वर्किंग गलत क्यों है। नहीं सर, रीजन नहीं बताया था। अच्छा, रीजन नहीं बताया था। देखिए, ये वाली बात मैंने समझा दी थी, एच इज मच लेस देन आर ई वाली। नहीं सर, चले फिर मैं यहां से शुरू करता हूँ। देखिए, मैंने जो वर्किंग जो है वो मैंने क्रॉस की, वो वर्किंग मैंने ये कह के क्रॉस की कि रियल लाइफ में तो एच ई ओवर टू के ऊपर जो है वो जी कभी जीरो नहीं बनता, तो यहां तो जीरो आ गया। क्यों? जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया आर ई प्लस एच होल इनफैक्ट 1 - 2H/RE × G, तो बीच में एक स्टेप आया था, क्योंकि आप लोग सुन नहीं पाए तो मैं दोबारा लिख भी देता हूं ताकि चीजें ज़रा सिंक्रोनस रहे। बीच में एक स्टेप आया था, वो स्टेप ये था कि कहीं पर एच ओवर आर ई का स्कोर आया था जो ऐड हो रहा था। आपने कहा था ये एच आर ई से छोटा नहीं बल्कि बहुत छोटा है। जब हम फिजिक्स में डबल लेस देन इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बहुत छोटी वैल्यू है। हमने कहा कि एच ओवर आर ई बहुत छोटी वैल्यू है, इसका स्कोर करेंगे और छोटा हो जाएगा, आप इग्नोर कर देंगे। अब जिस मोमेंट पे आपने इसे इग्नोर किया, आपने बेसिकली इस इक्वेशन पर एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि ये फॉर्मूला सिर्फ वहां पर अप्लाई हो सकता है जहां पर एच आर ई से छोटा नहीं बल्कि बहुत छोटा हो। अब ये जो एच इक्वल आर ई ओवर टू है, इसमें एच छोटा नहीं है, लिहाजा फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि जब मैंने कहा था ना चैप्टर के बिल्कुल शुरू में कि हमारे लिए डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होता है कि इक्वेशन को अप्लाई करने की कंडीशंस क्या है। अगर मैं सिर्फ वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ का डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लूं, तो बहुत मुमकिन है कि मुझे पता ना हो कि उस इक्वेशन को अप्लाई करने की कंडीशंस क्या है। तो डेरिवेशन से मुतालिक जो भी इस तरह की बातें होंगी वो मैं आपको पढ़ाने के दौरान जरूर बता दूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सही हो। अब एक क्वेश्चन है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस वेयर एल्टीट्यूड इज 2 RE। अच्छा, जब वो कहते हैं एल्टीट्यूड, तो ये बात अंडरस्टूड है कि इट इज फ्रॉम सरफेस। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ग्रेविटेशन में जो भी डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस सरफेस से नहीं होता, वो सेंटर से लिया जाता है। तो अगर मुझे सेंटर से डिस्टेंस चाहिए तो वो क्या बन जाएगा? 3 RE। मैंने वैल्यू पुट की, मैं एक काम करता हूं, मैं साथ साथ जो है वो सॉल्व भी कर देता हूं। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे जीएमई, आर की जगह लिखा जाएगा 3 RE² सिंप्लीफाई करेंगे 1/9 GME/RE², ये सब स्मॉल जी है।
तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/9 times g। अब अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता था, 4 नंबर के लिए आता था, आप ये वर्किंग करते थे, तो इस वर्किंग में आपको 4 नंबर बिल्कुल मिल जाते, लेकिन अब आपने एप्टीट्यूड के लिए तैयारी करनी है। ये क्वेश्चन एक नंबर के लिए आएगा और ये एक ऐसा क्वेश्चन हरगिज नहीं जिसपे 1 मिनट जाया किया जाए। तो आप ट्रिक्स समझिए, देखें अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप ये समझे आपका तो जैकपॉट लग गया है। क्यों? क्योंकि आपके पास जैसे उन्होंने कहा HS2 आ रही, तो मुझे पता है ये सरफेस से 2 है तो सेंटर से क्या हो जाएगा 3। 3 का स्क्वायर करें 9, रेसिप्रोकल करें 1/9, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/9 times g। अगर कोई इस बात को कैच नहीं कर पाया तो दोबारा देखें। अगर आपसे कहो कि कंप्यूट वैल्यू ऑफ जी एट अ डिस्टेंस 3 आ रही, अब ये एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड अगर 3 आ रही है तो सेंटर से कितना हो जाएगा 4 आ रही, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, रेसिप्रोकल करेंगे 1/16 g, ये मेरा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। हमें ये एप्टीट्यूड डेवलप करना है कि हम न्यूमेरिकल देखें और बगैर किसी एक्सटेंसिव वर्किंग के हम उसका सही आंसर निकाल लें। ठीक, अच्छा, अब अगर वैसे तो मेरा ख्याल है आप में से मेजोरिटी इस बात को जानती होगी, लेकिन हो सकता है वो एक बच्चा जिसने पहली दफा ये चीज सीखी, हो सकता है वो हर जगह इस बात को जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करे। तो सवाल गौर से पढ़ना है, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जी एट अ डिस्टेंस 4 re फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अगर आपको डिस्टेंस ऑलरेडी सेंटर से गिवन है तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट 1/16 g विल बी द आंसर। लेकिन अगर वो कहते हैं कंप्यूट जी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 re फ्रॉम सरफेस, तो फिर आप कहते हैं ये 4 फ्रॉम सरफेस है तो सेंटर से 5 होता, मेरे पास आंसर जो है वो 1/25 g आएगा। हमें कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। आज हमने थोड़ा टाइम असल में इंट्रोडक्शन में लगा दिया, अदरवाइज हम जो है वो इसके कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम्स देखते जो NTS में आपके पास एग्जाम में आते रहे। तो होपफुली जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो हमें चैप्टर से मुतालिक से एक दो कॉन्सेप्ट्स और पढ़ने हैं, एक वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ पढ़ाना है, एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी आपको पढ़ाना है, चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और फिर मैं आपको कुछ MCQs जो है वो पास NTS एग्जाम से भी जो है वो सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपको थोड़ी सा आइडिया हो जाए। बस एक काम आपने करना होगा, नेक्स्ट क्लास में जब आप क्लास के लिए बैठेंगे तो आपके साथ आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन बुक में पढ़ेंगे और फिर मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक, अब जो कुछ मैंने आज पढ़ाया इससे मुतालिक अगर आप में से किसी के जहन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी या डाउट है, यू कैन आस्क नाउ। अदरवाइज मैं ये लेक्चर आपसे अभी शेयर कर भी लूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप इसे आराम से बैठ के रिव्यू कर सकते हो और फिर अगली क्लास जब शुरू होगी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस लेक्चर से मुतालिक सो यू मे आस्क एट दैट टाइम एज़ वेल। सो अगर आप में से किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है जो कुछ हमने डिस्कस किया उसके हवाले से तो आप अभी पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है तो फिर आई विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास नाउ।